नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्स बुलेटिन 24 और मेरा नाम है हरीश गोड़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के उस सर्कुलर के बारे में, जिस सर्कुलर के द्वारा जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है अपने नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 की। देर आए दुरुस्त आए, इसी नीति पर चलते हुए डिपार्टमेंट ने आज क्लैरिफिकेशन जारी की है 22 नवंबर 2019 को, जिसमें उन्होंने कहा है हेडिंग नंबर 9988 के बारे में, और बताया है कि हेडिंग नंबर 9988 के आइटम नंबर रोमन 4 में और आइटम आईडी में जो सर्विसेज, जो जॉब वर्क की सर्विसेज बताई गई हैं, उन सर्विसेज पर किस रेट से जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस नोटिफिकेशन के बारे में, जिस नोटिफिकेशन के लिए ये क्लैरिफिकेशन दी गई है, मतलब नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 पर। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 कहता है कि जो जॉब वर्क है, जॉब वर्क पर जो जीएसटी का रेट है वो 18% ना लगाकर आप 12% लगाया जाएगा। ये इस नोटिफिकेशन में रेट रिड्यूस किए गए थे, लेकिन कुछ आइटम जो आइटम नंबर 4 में आते हैं, इस हेडिंग के, हेडिंग नंबर 9988 के, जिसमें कहा गया है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑन फिजिकल इनपुट्स ओन्ड बाय अदर्स, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑन फिजिकल इनपुट्स ओन्ड बाय अदर्स, ऐसी सर्विसेज पर जीएसटी का रेट 18% ही रहेगा अगर वो ओन्ड बाय अदर्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन आज इस सर्कुलर में जारी की गई है। इस क्लैरिफिकेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्लैरिफिकेशन से जो लेदर इंडस्ट्री है, जो हैंडीक्राफ्ट है, क्ले वर्क है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर्स हैं, इस इंडस्ट्री में जो जॉब वर्क 5% के रेट से चार्ज होता है, उस जॉब वर्क पर भी 18% का रेट ही लग जाएगा अगर ये जॉब वर्क किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए किया गया है तो। साथ ही साथ जहां पर इस सर्कुलर के क्लैरिफिकेशन को प्रभावी नहीं माना जाएगा, जहां पर इस सर्कुलर का, इस क्लैरिफिकेशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कौन कौन सी इंडस्ट्री होंगी, उसके लिए इन्होंने कहा प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स, टेलरिंग सर्विसेज, तो ऐसी इंडस्ट्री पर आज भी रेट 5% ही रहेगा, बेशक आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जीएसटी से रिलेटेड और जॉब वर्क से संबंधित जो रेटों में बदलाव किया गया है, उन बदलाव से रिलेटेड उन पर ये क्लैरिफिकेशन जारी की है डिपार्टमेंट ने, और ऐसे ही कुछ और जीएसटी और टैक्स से संबंधित खबरों के साथ हम आपके बीच में आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।